नमस्ते। आज हम साउजी स्टाइल छटपट से बनने वाला कड़वंचा फ्राई बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसे ही कड़वंचा कहते हैं। इसके डंडियों को निकालकर साफ कर लेंगे। कड़वंचा फ्राई मेरे सासू माई की फेवरेट रेसिपी थी। कड़वंचा सावन मास के महीने में ही मिलेगा, तो आप इस महीने इसे जरूर बनाइए। सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद सावधानी से धुले हुए इस कड़वंचे को डाल देंगे। मीडियम आंच पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। स्वाद में ये थोड़े कड़वे होते हैं, इसीलिए इसका नाम कड़वंचा है। लगातार हल्के हाथों से इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आधा मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और देखिए, गर्मा गर्म कड़वंचा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म पूरियों के साथ या चपाती के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस फटाफट से बनने वाली हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा।